लखनऊ घंटाघर हिंदुस्तान के काले भी कानून को हिला देने वाली आवाज नारी शक्ति। लगातार चले आ रहे NRCCAA काले कानून के विरोध में नारी शक्ति की आवाज आज भी गूंज रही है। लखनऊ घंटाघर की फिजाओं में आज तीसरे दिन भी कैंडल गर्ल के नाम से पहचाने जाने वाली हिंदुस्तानी महिला अपनी हथेलियों पर शमा जलाकर विरोध कर रही है। कई तरह के रंग के कपड़े पहनकर बैठी है महिला, पूछ रही हिंदुस्तान के लोगों से कि पहचानो मैं कौन हूँ। संवाददाता वकार हुसैन की रिपोर्ट। सर मैं तीन रंग नहीं, मैं सर्वधर्म दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे बैनर पे लिखा है पहचान कौन, और उसी तरह से मेरे माथे पे हिंदू, मेरे सर पे पगड़ी यानी एक सिख की निशानी, गले में क्रॉस यानी क्रिश्चियन की निशानी, मेरे सर पे हिजाब यानी एक मुस्लिम की निशानी। तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि मैं धर्म सर्वधर्म हूँ, यानी मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू भी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। ये NRC और CAA का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या इस वजह से आप ये संदेश जो है दूसरों को देना चाहती हैं? जी सर। ये इंसान जो है कपड़ों से नहीं पहचाना? जी सर, मैं मोदी जी को ये संदेश देना चाहती हूँ। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो लिबास से पहचानेंगे, तो मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो उस लिबास से पहचान सकते हैं तो वो आएँ और मुझे पहचाने कि मैं कौन हूँ। कोई भी इंसान किसी को लिबास से नहीं पहचान सकता। कब तक आप प्रोटेस्ट करेंगे और ये सिलसिला आपका कब तक जारी रहेगा? सर ये पिछले तीन दिन से मेरा सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा।